ठीक है, एरिया में है वेस्ट बंगाल, प्रोडक्शन में भी वेस्ट बंगाल।
अपने बात करते हैं ए आई सी आई पी के बारे में। ए आई सी बी आई पी सी बी आई पी के बारे में, ठीक है। ए आई सी बी आई पी ऑल इंडिया, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड वेजिटेबल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड वेजिटेबल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। अब स्टार्ट किया गया पंचवर्षीय योजनाओं में, स्टार्ट किया गया कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं में, और जो फोन पंचवर्षीय योजना थी उसमें स्टार्ट किया गया कब, 1977 में, 1977 में, 1977 में। इसके जो फर्स्ट को प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे वो कौन थे, डॉक्टर स्वरूप और डॉक्टर विष्णु स्वरूप, डॉक्टर विष्णु स्वरूप, डॉक्टर विष्णु स्वरूप थे, ठीक है, डॉक्टर विष्णु स्वरूप थे। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, आई आई बी आर के अंदर, ठीक है, आई आई बी आर के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। फिर अपने आगे बात करते हैं, आई आई एच आर के बारे में, आई आई एच आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये कहाँ पे है, ठीक है, 1968 में आई आई एच का काम किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च काम है, ये कहाँ पे है, ये है आपके ऐसा बेटा बेंगलुरु में, ठीक है। फिर है अपने बात करते हैं हेडक्वार्टर ऑफ ए आई सी आर की, ए आई सी आर की, ए आई सी आर की ऑल इंडिया
ठीक है, फिर अपने बात करते हैं ग्रेमी। ग्रेमी का एग्जांपल है स्वीट कॉर्न।
इसकी फैमिली है, फैमिली आपको पता ही है, इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है, एलिएसी है, ठीक है, एलिएसी है या एमआरबीएसी है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं कि जो इसका ओरिजिन है, ओरिजिन कौन सा इसका, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया ओरिजिन क्या इसका, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। फिर अपने इसमें बात करते हैं, कर लेते हैं कि एडिबल पार्ट कौन सा है, एडिबल पार्ट यानी खाने योग्य भाग कौन सा है, वो है क्लोव। क्लोव क्या होती है, जो नीचे जो क्लोव से जो गंठ होती है, जो लहसुन होता है क्लोव, ठीक है, स्टेम के जो नीचे लगी होती है वो क्या कराती है, क्लोव, ठीक है, उसको किस तरह से जाना जाता है, क्लोव, वो क्या खाने योग्य भाग होता है, क्लोव, ठीक है। अब इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर इसमें पाए जाते हैं 16, टू एंड कितने नंबर पाए जाते हैं, टू एंड 16। अगर एनी की बात करें तो कितनी बात पाई जाते हैं, सिंगल क्रोमोसोम कितना पाया जाता है, 8, ठीक है, डबल क्रोमोसोम 1 से क्या है, 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना आता है, 16, ठीक है। ये हो गया गामेट, गामेट क्या है, ओके, कर देते हैं एलियम से डाइमर, फैमिली आपको पता ही है, फैमिली एलियसी या हिमालयन एशिया है, ओरिजिन इसका क्या है, सेंट्रल एशिया है, एडिबल पार्ट कौन सा है, क्रोम सा है, क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 16 है, ठीक है। अब इसी में अपने बात कर लेते हैं ऑनियन, ऑनियन की बात कर लेते हैं, ऑनियन का बोर्ड का नेम क्या होता है, ऑनियन का बोर्ड का नेम होता है एलियम सिंपा, एलियम सिंपा, एलियम सिंपा, एलियम सिंपा किसका नाम है, बोर्ड का नेम है, एलियम सिंपा बोर्ड का नेम है ऑनियन का। इसमें एक जो होता है ओरिजिन कौन सा इसका, सेंट्रल एशिया, ओरिजिन है सेंट्रल एशिया, और इसमें क्या है, जो खाने योग्य भाग है एडिबल पार्ट क्या है, बल्ब, बल्ब है एडिबल पार्ट, खाने योग्य भाग क्या है, बल्ब, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं इसमें, 16, फैमिली कौन सी है, एलियसिया एनालिसिया, कौन है, एलियम सिंपा, एलियम सिंपा एल, ठीक है, ओरिजिन कौन सा है, सेंट्रल एशिया, एडिबल पार्ट बल्ब, और क्रोमोसोम नंबर 16। अब अपने आगे बात करते हैं, जो ये फर्स्ट फैमिली है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है, एलियसी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो गई। फिर अपने सेकंड बात करते हैं एमआरबीएसी की, तो सेकंड बात करते हैं एरिकेसी, एरिकेसी, ठीक है, एरिकेसी में देखते हैं एग्जांपल में आपको बताया जाता है तारो, तारो का कंपनी का नेम क्या होता है, कोलोकासिया कोलेंटा, कोलोकासिया 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 कोलेंटा, ठीक है, कोलोकासिया कोलेंटा, ठीक है। ओरिजिन इसका क्या है, श्रीलंका, ओरिजिन क्या है, श्रीलंका, श्रीलंका, और एडिबल पार्ट है इसका कॉर्न्स, एडिबल पार्ट है, एडिबल पार्ट है कॉर्न्स, ठीक है, कॉर्न्स। और क्रोमोसोम नंबर कितने हैं इसमें, 26 है, 28 सॉरी, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 28, ठीक है। यानी कैसे में तारो लोकासिया मलेंडा ओरिजिन श्रीलंका, एडिबल पार्ट है कॉर्न, और क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 28।
जो अपना